मैं हूँ मुबारक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। सीकर जिले के गनेड़ी गांव में ग्रामीणों की ओर से रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन समिति की ओर से दौलत खां गनेड़ी व इरफान खान ने बताया कि फाइनल मुकाबले में देव डिफेंस एकेडमी सीकर ने रीड मलास की टीम को हराकर कप अपने नाम कर लिया। विजेता टीम को 11,000 और उपविजेता को 5100 रुपये व पुरस्कार भेंट किए गए। मुख्य अतिथि केटीसी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज खान ने कहा कि कबड्डी हमारा परंपरागत खेल है, इसको आगे बढ़ाना हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सोहन चौधरी डीडवाना ने कहा कि गनेड़ी गांव में अनेक प्रतिभाओं ने जन्म लिया, यहाँ के युवाओं पर ध्यान दिया जाए तो वह खेलों में भी क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। लियो क्लब सीकर के अध्यक्ष एडवोकेट अनीस खान ने कहा कि सफलता के लिए जुनून होना जरूरी है। इससे पहले समंदर खां, दुर्गाराम सैनी, पेमाराम मेघवाल, सुरेश शर्मा, मुकारब खां, पवन सोनी, सांवरमल सैनी, अशोक धोत, दौलत खां, इरफान खां ने अतिथियों का स्वागत किया। फारूक खां गनेडी ने भी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएलसी के सह निदेशक इंजीनियर साहिल चौधरी, जीएसएस अध्यक्ष सुखराम कुमावत, सदाम खां मंगलूणा, खुशी मोहम्मद खां मंगलूणा भी बतौर विशेष मेहमान मंच पर मौजूद रहे। अध्यक्षीय उद्बोधन में सरपंच कपिल शर्मा ने स्वागत व आभार प्रकट किया। संचालन मुबारक अली जाजोद ने किया। उसके अलावा विजेता टीम और उपविजेता टीम को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। मैंने पूरा मैच देखा है, कीमती समय था और साफ सब में भी प्रोग्राम चल रहा है, उन्होंने भी मैंने कहा है सर आप 1 बजे भी आ जा रहे हैं लेकिन हम आपका वेट करेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं आप प्रोग्राम करो जो भी है, लेकिन फिर भी वो मेरा वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को छोड़ के जा नहीं पाया क्योंकि छोड़ के जाना मेरी मतलब आदत नहीं है प्रोग्राम को, इसलिए मैं कम समय में आपको ये कहूँगा कि संघर्ष जीती हुई जीतने वाली टीम को और मेरा खुद का मानना है कि आप अगर समाज में कुछ करके जाए, ऐसा कुछ करके जाए जिससे आपको याद रहे, आप इस तरीके के आयोजित समिति से रिक्वेस्ट करूँगा इस तरीके के प्रोग्राम आप समय समय पर गाँव में डालते रहे जिससे यहाँ की प्रतिभा को आगे भविष्य में और सुनहरा अवसर मिल सके। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, कुछ ऐसा कर जाओ कि सारा जहाँ सलाम करे, सारा जहाँ सलाम करे। हम आज सभी युवा साथियों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ को एक फोकस तरीके से जिए और आपको जो अचीव करना है उसको गेन करके ही जीतना है, और एक जुनून से के साथ आपको कुछ ना कुछ चाहे खिलाड़ी बनके करना है या कोई भी प्रोफेशनल आप एक्सेप्ट करते हैं।